हेलो बच्चों, एक बेस्ट कंसेप्ट करने वाले हैं जेईई नीट 11th क्लास के लिए, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। न्यूटन के अनुसार लिमिटिंग फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करेगा? अब जानते हो ना, दो सर्फेसेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है, ब्लॉक दोनों सर्फेस रेस्ट में रहता है, तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ रेजिस्टेबल होता है, उसमें एक सर्टेन वैल्यू आता है जिससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स होने पे बॉडी मूव करने लग जाता है। उस सर्टेन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा बच्चों? कब बढ़ेगा और कब घटेगा? अगर इसके इसके नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे। अगर इसकी नॉर्मल किस पे डिपेंड करेगा? इसके मास पे। देख रहे हैं आप, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ एम जी है, तो जी तो कॉन्स्टेंट होता है, 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वेरिएशन किसका होगा? मास का। अगर आप ब्लॉक का मास बढ़ाते हैं तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, मास कम करते हैं नॉर्मल कम हो जाएगा। अगर मास ज्यादा कर देते हैं, मास कम कर देते हैं, इसका वेट कम कर देते हैं ना, तो कम ही मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाता है। और ज्यादा मास बढ़ा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो इसके वेट बढ़ाने और घटाने से क्या चेंज होता है? नॉर्मल। नॉर्मल चेंज होने से क्या होता है? फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाता है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है, उसका ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है। नॉर्मल बढ़ाने से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता है, और नॉर्मल घटाने से घट जाता है। एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यूएस एन होता है। म्यूएस क्या है? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इसकी वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच हो सकता है। कॉपर में क्या होता है? उसका वन होता है। कॉपर का म्यू का वैल्यू वन होता है। लेकिन डेली लाइफ में आप जितने भी बॉडी को यूज करते हैं, उन सब में वन से कम ही होता है। वुड हो, आयरन हो, कोई भी बॉडी हो, उसके बीच जो भी होता है, उसमें म्यू का वैल्यू वन से कम होता है बच्चों। ओके, इसलिए हमेशा वो शो किया जाता है, लेकिन ओनली कॉपर के लिए वन होता है म्यू का वैल्यू। ठीक, अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का? म्यू एस किस किस बातों पर डिपेंड करता है? सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। वुड और आयरन में म्यू का वैल्यू कुछ और होगा, वुड और प्लास्टिक में कुछ और होगा। ओके, तो इस तरीके से होगा। इसके टेक्सचर ऑफ सरफेस, सरफेस के शेप पर भी डिपेंड करता है। अगर उसी किसी ब्लॉक को आप लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अधिक से अधिक मॉलिक्यूल उसके कॉन्टेक्ट में हो। अगर उसका मास कम है तो कम ही कॉन्टेक्ट में होगा, है ना। तो वहां पर सरफेस एरिया के डिपेंड होने से उस पर चेंजिंग रहता है, चेंज हो जाता है फ्रिक्शन, वहां पर फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन अगर पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं तो सरफेस एरिया तो कम कवर कर रहा है ना। कम सरफेस एरिया कवर करने पर भी अगर वेट ज्यादा है तो ये अधिक से अधिक मॉलिक्यूल को कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और जिसके कारण इसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इसके टेक्सचर पर भी म्यूएस चेंज हो जाएगा, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और बच्चों, मॉइस्चर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मॉइस्चर मीन्स नमी होता है। जब आप वुड को देखिए, वुड में क्या होता है, थोड़ी सी पानी अगर का अमाउंट आ जाता है, मात्रा आ जाती है उसमें, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें कोई भी पार्टिकल रखने पे चिपक जाता है। इसी पे देखिए, बोर्ड पे ठंड के समय में मिटाना मुश्किल होता है ना। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल नमी रहता है, मॉइस्चर के कारण उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक, तो मॉइस्चर टेम्परेचर बढ़ाने से मॉइस्चर उसका कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो मॉइस्चर को कम करना है तो टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को कम करिएगा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा वहां। टेम्परेचर के साथ इन्वर्सिव पोर्शन का रिलेशन होता है के बच्चों, लेकिन मॉइस्चर के कारण डायरेक्टिव पोर्शन होता है। मॉइस्चर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी वहां पर बढ़ जाएगा, मॉइस्चर कम करेंगे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह का बेस्ट वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और कम से कम एक शेयर सर्टेनली करिए।